हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं मनजीत सिंह। तो इस समय हम लोग आरसीसी में कॉलम चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं और कॉलम में मैं आपको इससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लेंगे, जिससे ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वैसे ये भी समझ में आएगा क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल लेके आया हुआ हूँ। और जो भी फार्मूला, अगर आपने पहले से उस फार्मूले के बारे में नहीं जानते हैं तो भी मैं यहाँ आपको बताऊँगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, डिज़ाइन अ शॉर्ट कॉलम। यहाँ पर हमें देखिए डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन द शॉर्ट कॉलम टू बियर द लोड 2000 किलो न्यूटन। एक ऐसा हमें शॉर्ट कॉलम का डिज़ाइन करना है जिस कॉलम को 2000 किलो न्यूटन का जो लोड है उसे बियर करना है। एंड यूज M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe 250 ग्रेड ऑफ स्टील। और यहाँ पर हमें जो कंक्रीट का ग्रेड यूज करना है वो M25 का यूज करना है और स्टील का ग्रेड Fe 250 यूज करना है। ठीक है, तो देखिए एक बात ये समझिए, क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिया गया है कि शॉर्ट कॉलम का डिजाइन करना है या लॉन्ग कॉलम का, वो हमेशा बोल देगा। पहली चीज, अगर सपोज दैट नहीं बोलता है क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे उस केस में, आप क्या करेंगे कि आप मान लेंगे कि लेट डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम, तो वहाँ पे आप शॉर्ट कॉलम का डिज़ाइन करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोलता है कि वहाँ पर डिज़ाइन में हमें उसमें जो टाई बार यूज़ करना है वो इंडिपेंडेंट टाई बार यूज करना है या स्पायरल टाई बार यूज करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होता है तो आप हमेशा इंडिपेंडेंट टाई बार मानते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बात इसमें और आती है कि यहाँ पर तो कह दिया कि डिजाइन कीजिए कॉलम का, लेकिन ये नहीं कहा कि उसका जो शेप है, क्रॉस सेक्शन है, वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या सर्कुलर है। ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, वैसे बोल देना चाहिए क्वेश्चन में। अगर बोल देगा तो कहाँ पे चेंजिंग करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। केवल एरिया का फॉर्मूला लगाते समय आप चेंज करेंगे, बाकी पूरा लगाने का जो प्रोसीजर होगा डिज़ाइन का वो सब कुछ सेम होगा। तो मैं भी आपको यहीं पे बताऊंगा कि कहाँ पर हमें चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें वैल्यू क्या क्या दिया गया है, जो हमें वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है लोड पी इज इक्वल टू 2000 इंटू 10^3 न्यूटन। M25 ग्रेड कंक्रीट के लिए मैंने आपको बताया हुआ है जो सिग्मा सीसी का वैल्यू होता है वो 6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। एंड Fe 250 के लिए सिग्मा एससी का वैल्यू 130 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ हमेशा इस चैप्टर में, क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम। स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम का जो फॉर्मूला है क्या होता है, ये स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम पी इज इक्वल टू एसी इंटू सिग्मा सीसी प्लस एएससी इंटू सिग्मा एससी। एक बात और ध्यान देंगे आप, ये शॉर्ट कॉलम के लिए स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है ना, बात ये ध्यान देंगे आप कि यहाँ पर देखिए डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। डिज़ाइन का मतलब तो समझ में आना चाहिए। डिज़ाइन का मतलब बस इतना होता है कि हमें साइज ऑफ कॉलम निकालना है। बात समझ में आई, साइज ऑफ कॉलम, और साइज ऑफ कॉलम के बाद हमें निकालना है कि कितने mm डाया का वहाँ पर मेन बार प्रोवाइड करना है आपको और कितने नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करना है, वहाँ पे जो टाई बार यूज करना है उसकी स्पेसिंग क्या होगी, उसकी डाया क्या होगा, इतनी चीज़ें हमें निकालना है। क्या क्या निकालना है, साइज ऑफ कॉलम, एरिया ऑफ मेन बार एंड एरिया ऑफ टाई बार, बस इतना हमें निकालना है। ये होता है डिज़ाइन का मतलब। तो यहाँ पर देखिए AC का मतलब क्या होता है, टोटल एरिया में से ASC माइनस कर देंगे इंटू सिग्मा CC प्लस ASC इंटू सिग्मा SC। अब देखिए यहाँ पर हमें एरिया भी नहीं मालूम है और ASC भी नहीं मालूम है, तो आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैं एक रिलेशन आपको बता रहा हूँ, वो आप याद ले करके चलेंगे। लेट यहां पर क्या है, जो आपका ASC है, स्टील बार का एरिया है, टोटल एरिया का 2% लेके चलेंगे।
तुम कह सकते हैं 0.02 A, जो एवरेज लेकर चलते हैं 1.5% 2%, इतना ही लेकर के चलते हैं ASC। बस समझ में आई, 1.5 से 2% तक एवरेज देखा जाए तो यही लेके चलते हैं। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट थ्योरी में बता दिया है आपको कि कितना होना चाहिए मैक्सिमम, कितना होना चाहिए मिनिमम। तो इस एरिया A को आप A लिखेंगे, P का वैल्यू रख दीजिए 2000 × 10³, या लिख सकते हैं 2 × 10⁶ एरिया। ASC को आप लिखेंगे 0.02 A इंटू सिग्मा सी सी 6 प्लस ASC 0.02 A इंटू सिग्मा SC 130, 2 × 10⁶ मल्टीप्लाई करेंगे 6 A हो जाएगा माइनस 0.0, ये हो जाएगा आपका 12 A प्लस 0.02 A इंटू 130। तो ये देखिए पूरा इक्वेशन आपका जो है, इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि एक A में से 0.02 A माइनस करेंगे तो 0.98 A आ जाएगा, 0.98 A। अब दोनों को ही प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 10⁶ अपान में 3.58। अब देखो एरिया यहां से निकल गया कॉलम का एरिया, अब हमें यहीं पे चेंज करना होगा। अगर स्क्वायर कॉलम है तो स्क्वायर कॉलम के एरिया का फॉर्मूला आप लगा करके साइज ऑफ कॉलम निकाल लेंगे। अगर सर्कुलर कॉलम है तो सर्कुलर कॉलम का जो एरिया π/4 × डाया का स्क्वायर होता है, वहां से डाया ये निकाल देंगे। यहीं पर आपको ध्यान देना है, बाकी कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। मानता हूं मैं, लेट टेक स्क्वायर कॉलम, अगर मैं स्क्वायर कॉलम मान लिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए उसका साइज b × b है, स्क्वायर जो कॉलम है उसका साइज क्या है b × b, तो एरिया क्या हो जाएगा b × b। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से b स्क्वायर का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू निकालेंगे 2 क्या हो जाएगा आपका, 747.43 mm आ गया। तो 747.43 × 747.43 mm का हम यूज करेंगे, इसे प्रॉक्स में ले लेंगे। अब 747 तो सही नहीं है, तो हम कह सकते हैं सेज साइज ऑफ कॉलम ₹750 ले लीजिए, बात समझ आई। अगर मान लीजिए आपने यहां पर स्क्वायर कॉलम नहीं बल्कि सर्कुलर कॉलम लिया हुआ है, तो जो एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे π/4 × d का स्क्वायर। यहां लिखेंगे π/4 × d का स्क्वायर, आगे सॉल्व करके d का वैल्यू निकाल लेंगे, तो डाया ऑफ कॉलम ही तो हमें निकालना है सर्कुलर कॉलम में, बात समझ आई। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहां पर हमें 747 mm आया था, लेकिन मैंने ले लिया 750 mm, तो कॉलम का जो एरिया होगा वो कुछ न कुछ क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक्चुअल एरिया निकाल लेंगे आप, क्या हो जाएगा,
एक्चुअल एरिया क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 750 इंटू 750, तो ये हो जाएगा 562500 मिलीमीटर का स्क्वायर। ये एक्चुअल एरिया हो गया आपका। अब हम ASC निकालेंगे। ASC इक्वल टू क्या होता है, 0.02A होता है। 0.02 इंटू ए का वैल्यू है 562500, तो 11,250 mm हो गया ये स्क्वायर। बात सुनिए, अब यहां पर हम कुछ न कुछ डाया मान लेंगे अपने से, और नंबर ऑफ मेन बार का नंबर ऑफ मेन बार निकाल लेंगे। तो माना लेट यूज ऑफ डाया ऑफ मेन बार 25 mm मान लीजिए, आप कुछ भी डाया अपने से मान लेंगे उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बार आएगा। कम डाया का मानेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ बार आएगा, ज़्यादा डाया लेंगे तो कम नंबर ऑफ मेन बार आएगा, लेकिन ASC आपका उतना ही रहेगा, स्टील आपको उतना ही प्रोवाइड करना है। तो नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ASC में से एक स्टील के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो ASC है आपका 11,250 अपॉन पाई बाई 4 इंटू 25 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 22.91। ये तो नंबर ऑफ मेन बार बहुत ज्यादा आ गया, 22.91 इतना नंबर ऑफ मेन बार आ गया। अच्छा, ASC सात सौ पचास एरिया हो गया आपका इंटू 0.02। ASC आ गया इंटू 4 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर, 1.43 मेन बार आ गया, बहुत कम आ गया है। फिर से कैलकुलेशन चेक करते हैं, 11,250 इंटू 4 डिवाइड बाई पाई, 11,250 डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई 25 का स्क्वायर इंटू 4, 22.91, बहुत ज़्यादा मेन बार आ गया आपका। ठीक है, 22 मेन बार। तो 22 मेन बार तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो बस कैलकुलेशन चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर आप बार कितना आ गया, 22। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है मेन बार का डिज़ाइन हो गया। अब हमें डिज़ाइन करना है इंडिपेंडेंट टाई बार का। इंडिपेंडेंट टाई बार का देखो डेफिनेशन, वो बार कैसे निकालते हैं, डाया, डाया का फॉर्मूला होता है 8 mm से लेकर के 16 mm तक, या डाया ऑफ मेन बार बाई 4। इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है उसे हम ले लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए अगर डाया मेन बार कितना, 25 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 6 point something आएगा, तो 8 mm से 16 mm ही ज़्यादा है, तो 8 mm ले लीजिए। नंबर भी हम निकालेंगे, स्पेसिंग
और स्पेसिंग का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है क्या, नंबर फर्स्ट होता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन LLR LLD, मैंने पूरा नहीं लिया, बस शॉर्टकट में लिख दिया लीस्ट लेटरल डायमेंशन। कितना है लीस्ट लेटरल डायमेंशन? 750 mm। नंबर सेकंड आपका हो जाएगा, नंबर सेकंड ये है आपका LLD के बाद 16 डाया ऑफ मेन बार, तो 16 × 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 mm। नंबर थर्ड 300 mm। इन तीनों में जो सबसे कम होगा, जो मिनिमम वैल्यू होगा उसी को हम लेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है? 300 mm है। तो मैं कह सकता हूँ कि टाई बार 8 mm डाया एट द रेट ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम। तो चाहे अगर शॉर्ट डिजाइन ऑफ लॉन्ग कॉलम होता है तो यहाँ फॉर्मूला चेंज होगा, स्पाइरल टाई बार होगा तो यहीं पे चेंज होगा, वो मैंने सारा सब कुछ बता दिया, लेकिन सॉल्व करने का तरीका आपका यही है। अगर सर्कुलर कॉलम कहता है तो यहाँ पर जो आपने स्क्वायर कॉलम के एरिया का फॉर्मूला यूज किया हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा सर्कुलर कॉलम के एरिया का फॉर्मूला आप लगा देंगे पाई बाई 4 डाया का स्क्वायर। हमेशा ध्यान देंगे आप इस चीज को, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर मैं मिलूँगा नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है?